सोचते तो सही बंदे हैं कि अभी मेरा नहीं होगा तो क्या हो पाएगा। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु राठौर एंड यू आर वॉचिंग कोटा जानकर यूट्यूब चैनल। बात करें पीडब्ल्यू के लास्ट टाइम वाले वीडियो में, तो मैंने आर्यभट्ट जो टावर है मेन बिल्डिंग है पीडब्ल्यू की, उसका स्टिंग ऑपरेशन करके बच्चों के रिव्यू लेके जानने की कोशिश की थी कि उनकी जो स्टडी है वो किस टाइप से चल रही है, और जो मतलब जो भी रियलिटी है वो जानने की कोशिश की थी। और उस समय ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया था, तो बाकी जो बिल्डिंग्स थी वो रह गई थी, तो उस बची हुई बिल्डिंग को यानी कि आइजैक टावर और इसके अलावा जो सीपी टावर और जो मेन भाभा टावर है वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके माध्यम से वहाँ का स्टिंग ऑपरेशन करते हुए वहाँ के बच्चों का रिव्यू लेते हुए रियलिटी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा क्या चल रहा है, स्टडी वगैरह उनकी कैसे चल रही है, और बाकी जो अफवाह मार्केट में चल रही है उन पर उनका ध्यान है या उनको इग्नोर करते हुए अपनी सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल ताकि आपको मिलते रहे इसी प्रकार के और भी कई तरह के वीडियो। तो ये है पीडब्ल्यू का सीपी टावर वाला सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, अभी थोड़ा 12:54 टाइम हुआ है, ठीक है। एक बजे के बाद में यहाँ पर बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे तो उनके रिव्यू वगैरह लेंगे। तो ये सीपी टावर है विद्यापीठ का, तो बच्चे निकलेंगे तो उनसे जानेंगे कि कैसा चल रहा है उनका पढ़ाई का यहाँ पर माहौल, और किस टाइप से वो क्या बोलना चाहते हैं, कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा, मतलब रियलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे बच्चों के रिव्यू के माध्यम से, ठीक है। कहाँ से हो आप? बिहार से। तो अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा पीडब्ल्यू को लेकर इसका? बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ के फैकल्टीज लोग भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारे सिस्टम वगैरह भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है, बहुत अच्छे पढ़ाई हो रही है। नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा है, वो जब भी कोई ऊपर होता है तो अगल बगल वालों को होता ही है थोड़ा सा, तो ऐसा कुछ। हाँ जल्दी से नहीं, अभी तक नहीं, पंकज सर से मिल। हाँ मैं झारखंड से हूँ एंड यहाँ पे मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, यहाँ की फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं एंड वो यहाँ पे सब डाउट भी हमारी सारी क्लियर की जाती हैं एंड हाँ हमारा सब सही चल रहा है, सब कुछ हमें सही टाइम पे मिल जाता है, DPP प्रैक्टिस सेट एंड मॉड्यूल, मतलब सब कुछ हमारा सही से क्लियर कराया जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होते हैं, तो सब सही चल रहा है हमारा। हाँ हम तो यूपी से हैं, अभी तो कोटा में जब से हम आए हैं यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। जैसे पीडब्ल्यू का अगर पीडब्ल्यू की बात करें तो पीडब्ल्यू में फैकल्टी भी अच्छी है, स्टाफ भी अच्छा है, टीचर का जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी अच्छा है, और डाउट के लिए तो टीचर अवेलेबल रहता है काउंटर पर, जैसे अगर डाउट क्लास में नहीं हो पाता है तो मतलब हम लोग काउंटर पर जाकर डाउट कंप्लीट कर लेते हैं फिर, और मतलब और तो सारा सब सही ही है। और मार्केट में नहीं नहीं वो सब हम लोग कुछ नहीं, बस हमारा मेन फोकस जो हम लोग गोल लेकर आए हैं अपना, बस हमारा वो उसी पर फोकस है। मैं यूपी कानपुर से हूँ और मुझको यहाँ पे करीबन 3 महीने हुए हैं कोटा आए हुए, और मैं पीडब्ल्यू की स्टूडेंट हूँ। मेरा अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, पर जैसे सारी हर जगह 100% तो नहीं मिल सकता, वैसे यहाँ पे भी कुछ फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं पर कुछ में है थोड़ा इम्प्रूवमेंट, अगर हो जाए तो हम लोग के लिए और अच्छा होगा। जिस फैकल्टी में इम्प्रूवमेंट चाहते हो? नहीं मतलब ऐसे हर बैच में अलग अलग है कि पर चेंज हो जाती है फैकल्टीज़, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, हम लोग ने भी चेंज करा लिया था जो टीचर हम लोग को मतलब जिससे हम लोग को समझ नहीं आ रहा था। तो क्या चाहता है? कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं, हम लोग की डिमांड यहाँ पूरी हो जाती है, ओवरऑल अच्छा है। मैं छत्तीसगढ़ और बिलासपुर से हूँ, मुझे यहाँ आए अभी 3 महीने 4 महीने से कुछ हो गया है, और अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, और फैकल्टी भी अच्छी है थोड़ी बहुत, और जितना भी मतलब सेटिस्फाइंग रहता है, जितना डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और हाँ सब अभी तक तो सही चल रहा है। तो पीडब्ल्यू विद्यापीठ के जो सीपी टावर वाला सेंटर है यहाँ पर बच्चों के रिव्यू वगैरह मैंने ले लिए, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ आइजैक और वहाँ के बच्चों के रिव्यू जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये है आइजैक बिल्डिंग है ना, जिसको बोलते हैं रामानुजन टावर, में यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, ठीक है। बच्चे वगैरह जाना शुरू हो चुके हैं यहाँ से, तो मैं रिव्यू लेकर यहाँ पर भी रियलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि बच्चे वगैरह क्या बोल रहे हैं, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा।
मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर से, और अभी तक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से सब एक्सप्लेन करते हैं, एंड पीडब्ल्यू में जैसा एक्सपेक्टेशन था बिल्कुल वैसे ही सब मुझे मिल रहा है देखने को। एजुकेशन कंटेंट सब अच्छे हैं, डाउट क्लासेस भी अच्छे से लग जाती है, और बाकी बहुत अच्छा है पीडब्ल्यू। और कई तरह की सोशल मीडिया पर अफवाहें वगैरह चलती रहती है इसके बारे में। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया में इतनी इन्वॉल्वमेंट मेरी है नहीं, तो सोशल मीडिया से अभी मैं दूर ही हूँ, अपने एजुकेशन पे ज़्यादा है। नहीं, मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं राजस्थान से ही हूँ, जोधपुर साइड से। पीडब्ल्यू से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, तो पीडब्ल्यू से इन द सेंस टीचर्स आर वेरी गुड, एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से, एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड इन PW, and I'm very lucky that I'm here in a PW. मैं बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है PW में। मतलब जितने भी टीचर हैं हमारे सारे अच्छे टीचर्स हैं, और मतलब कि बहुत डाउट सॉल्विंग भी बहुत बढ़िया है, डाउट सॉल्व हो जाता है सारथी में हम लोगों के पास है। मतलब कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है PW में। मेरा नाम मुस्कान है, मैं यूपी से हूँ, और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मतलब अच्छी पढ़ाई हो रही है, मतलब और मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। हमारे जो 12th बोर्ड्स में पढ़ाई होती थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो अभी थोड़ा हैक्टिक चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस, मतलब छः सब्जेक्ट अलग अलग चल रहे हैं, तो थोड़ा हैक्टिक चल रहा है, लेकिन कोप अप हो रहा है मेरा, मतलब कोप अप कर ले रहे हैं तो ठीक है, अच्छा चल रहा है। मैं कोटा से ही हूँ, लोकल हूँ, मुझे 2-2.5 महीने हो गए इधर। PW एक वाइब है यहाँ, इतना अच्छा है, मतलब टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और ये हमारी आईसेक वाली बिल्डिंग में 2 ही बैच हैं और 200 अप्रॉक्स बच्चे हैं, और टीचर्स इतने अंडरस्टैंडिंग है कि वो हमारे नेम भी याद रखते हैं, हम जिस दिन नहीं आते हैं, मतलब ऐसी कोई कोचिंग में नहीं होता है कि टीचर्स को उनका नाम भी पता होता है। यहाँ होता है कोई बच्चा एब्सेंट भी होता है तो टीचर्स ये भी पूछते हैं कि क्यों हुए, क्या हुआ, सब कुछ अच्छा है, बस फीलिंग है PW है तो होप है। अगर बात करें वीडियो में तो जो भाभा सेंटर है PW का, मैं वहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ चुका हूँ मैं भाभा वाले सेंटर पे, लेकिन यहाँ पर परमिशन होती नहीं है स्टिंग ऑपरेशन करने की, ठीक है, वीडियो डिलीट भी जाते हैं कई बार लोगों की, तो दूर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं पहुँच चुका हूँ ये भाभा वाला जो सेंटर है PW विद्यापीठ का। कुछ बच्चे मिलेंगे उनसे जानकर बातचीत करके जानने की कोशिश कर लेंगे कैसा क्या रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस उनका, ठीक है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है आपका PW में, और आप जैसे भाभा वाले सेंटर में करते हैं यहाँ के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें बताएं। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, और अब तक का मेरा PW में जैसा मैंने सोचा था और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ाई होगी और एंड ऑल समथिंग, तो अब तक का तो सही रहा है कि हाँ जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तो फुलफिल हो ही रही है। बाबा सेंटर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएं। बाबा सेंटर का माहौल बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, और अंदर के लाइक जो फैकल्टीज वगैरह है वो सारी सब सही है, और जो ऐसा अरेंजमेंट है वो भी सब सही लग रहा है अब तक का। और कई तरह की सोशल मीडिया पे अफवाह वगैरह चलती है PW को लेकर, इसके बारे में तो कुछ नहीं, वो तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका मतलब ऊपर नीचे सबका अलग अलग होता है, हमारे हिसाब से तो सही है। आप कहाँ से हो और अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है PW में और कोटा शहर में, इसके बारे में। मैं धनबाद से हूँ, मतलब मेरा तो हम तो सबसे एंड में आए, सबसे लास्ट फेस है मेरा, कि जैसे ही हमको लेट से पता चला कि यहाँ मतलब कोटा में विद्यापीठ शुरू हो चुका है, और यहाँ पे मतलब मेरे फ्रेंड्स भी बहुत आए हुए हैं जो कि फेज़ 1 में है, तो बस उसके बाद हम भी डिसाइड किए कि हम भी यहाँ आके तैयारी करेंगे अच्छे से। अभी तक की पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है? अभी तक पढ़ाई ठीक ही ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आई तो नहीं? हाँ, ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम अगर आता है तो टीचर्स वहाँ बैठे रहते हैं और डाउट फैकल्टी में डाउट पूछ सकते हैं अपना, मतलब क्लास के बाद भी सर टीचर लोग बाहर बैठते हैं कि अगर कोई दिक्कत या कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन क्लास के बाद। कोई ऐसी चीज़ बता रही है आपको जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अलग बनाती है? अलग PW ये अलग है कि फीस कम फीस में पढ़ा रहा है। आप कहाँ से हैं और अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है PW में उसके बारे में? मैं पुणे से हूँ, मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ, और मैंने जब सुना कि कोटा में विद्यापीठ चालू हो रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए, सीखने के लिए, तो यहाँ पे आई,
मतलब सब मुझे सब इधर का एनवायरनमेंट वगैरह सब सही लगा और सब टीचर्स वगैरह तो बहुत सपोर्टिंग है वगैरह वगैरह सब सही है। डाउट और स्टडी मटेरियल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, डाउट सेशन वगैरह तो होते हैं क्लास के बाद, टीचर्स तो हमेशा रहते हैं, क्लास के बाहर भी मिल सकते हैं टीचर्स से, टीचर्स सब डाउट वगैरह सब क्लियर कर देते हैं, सब सही है। और अभी तक का एक्सपीरियंस? मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर की साइड, और अभी का जो पीडब्ल्यू का एक्सपीरियंस है वो बहुत सही रहा है, क्योंकि अभी भामा टावर में प्रहार बैच चलता है जैसे कि, और वो कि बहुत सही है, फैसिलिटी सारी दे रखी है, डाउट्स क्लियर सब कुछ होता है। पंकज सर के बारे में भी इस तरह की अफवाह चल रही थी कि उनका ट्रांसफर कोटा की जगह कहीं और जगह हो गया, उसके बारे में कुछ पता नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मतलब अंदर की साइड कोई टीचर ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा, तो ऑफकोर्स कुछ भी नहीं होगा, ऐसा सिर्फ अफवाह है वो। कहाँ से हो, अभी तक एक्सपीरियंस कैसा रहा है और किस टाइप से पढ़ाई करते हो और यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है? मैं झारखंड से हूँ और अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और यहाँ पर तो टॉप फैकल्टीज हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और इन्वायरमेंट भी यहाँ का अच्छा है। कोई बात स्पेशल हो, मतलब जो यूनिक हो? यहाँ का यूनिक बात है कि यहाँ का फैकल्टीज बहुत सपोर्टिव है और स्टाफ लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं यहाँ। वैसे तो मेरा तो भाई ठीक ही रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आके मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम किया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं पीडब्ल्यू में सभी टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने को मोटिवेट करते रहते हैं, तो इतना जैसे किसी कभी सोचते तो सभी बंदे हैं कि अभी मेरा नहीं होगा तो क्या हो पाएगा। तो पीडब्ल्यू का जो सीपी टावर वाला सेंटर है, ठीक है, आईजीक वाला, रामारंजन सेंटर है, और जो भाभा वाला, होम कोटारी वाला सेंटर है, इन सभी पर मैं आके विजिट किया है, बच्चों के रिव्यू वगैरह नहीं है, सब बच्चे बता रहे हैं कि उनका पढ़ाई पर ध्यान है, अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा है, फैकल्टीज भी टाइम टू टाइम पढ़ा रही है, और एक बच्चे ने तो ये भी कहा है कि फैकल्टीज इस टाइप की यहाँ पर उनको सारे बच्चों के नाम याद है, यानी कि अपना छोटा मोटा जो भी डाउट है ना वो क्लास वगैरह में जाता है उनका कंप्लीट। और बात करें तो एक्सपीरियंस अच्छा बता रहे हैं, और मैं भी जस्ट यहीं पर हूँ, क्या बोलते हैं, भाभा वाले सेंटर पर, तो यहाँ के बच्चे भी अच्छा बता रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा स्पेशल तरीके से क्लास वगैरह होती है। तो कुल मिला के आज का जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है बच्चों से बातचीत करते हुए, पीडब्ल्यू के बारे में बिल्कुल बेस्ट बता रहे हैं, किसी प्रकार की अफवाह पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है, है ना, नेगेटिविटी पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है, और सब बच्चों का जो है माइंड जो है वो पढ़ाई में ही लगा हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।